पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के सालाना स्पोर्ट्स वीक का चौथा और आखिरी रोज़ है। स्पोर्ट्स वीक के दौरान जो है क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, जेवलिन थ्रो और जो है 400 मीटर रेस, उसके अलावा इंडोर एक्टिविटीज़ का भी इनेकाद किया गया जिसमें चेस और लूडो भी शामिल थे। स्टूडेंट्स ने जो है भरपूर तरीके से इसमें जो है पार्टिसिपेट किया है और मेरे साथ इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना एंजॉय किया स्पोर्ट्स वीक में और किस किस खेल में आपने जो है पार्टिसिपेट किया है। मैं फाइनल प्रॉफ से हूँ और इंडोर गेम्स की मैं ऑर्गेनाइज़र थी। हम लोगों को बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया और हम लोगों का टी का स्टॉल था, सिंपल टी का और कश्मीरी टी का, और हमारा चारों दिन स्टॉल बहुत अच्छा रहा है और ओवरऑल हमने बहुत इंजॉय किया है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी गेम्स ऑर्गेनाइज़ की गई थी जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लूडो, चेस, ये सारी गेम्स थी और सब बच्चों ने बहुत पार्टिसिपेट किया है बढ़ चढ़ के। अच्छा, आप बताएं कि आपने किस किस गेम में पार्टिसिपेट किया। अभी मैं आपको लॉन्ग जंप में तो पार्टिसिपेट करते देख ही रही थी, इसके अलावा आपने इन चार दिनों में आपने स्पोर्ट्स वीक के दौरान किस किस स्पोर्ट में आपने पार्टिसिपेट किया और क्या आपको लगा कि मेरा ये तो हिडन टैलेंट मुझे जो है स्पोर्ट्स वीक में डिस्कवर किया है मैंने। सारे साल हमारी बहुत ही हेक्टिक रूटीन रहती है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हमने डिफरेंट गेम्स में पार्टिसिपेट किया, लूडो में, टेबल टेनिस में, क्रिकेट में, अभी हमारी एथलेटिक गेम्स हो रही हैं। सारे साल हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को डिस्कवर खुद ही नहीं कर सकते, इतने हमारी रूटीन ऐसी होती है, लेकिन इस वीक में हम सब को पता चलता है कि हम हमारे अंदर खुद क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। जी, करिकुलम के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है और खुशाइंद है। फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और सारा साल पढ़ाई में जितना बिजी रहते हैं इनको मौका नहीं मिलता खेलों की तरफ जाने का। एक बहुत जो है अच्छा इनिशिएटिव है ये स्टूडेंट्स के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ का इनेकाद कराए जाना और उनके अंदर जो उनके हिडन टैलेंट्स होते हैं गेम्स से रिलेटेड वो भी निखर कर सामने आते हैं।